नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। इस समय हम मौजूद हैं पीडीपी दफ्तर के बाहर और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि महबूबा मुफ्ती खुद यहाँ पर जो हैदरपुरा में जो एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में जिस तरह से दो सिविलियंस की किलिंग हुई है, उस किलिंग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से की जा रही है। महबूबा मुफ्ती अपने 6 दिवसीय दौरे पर जम्मू में थी और इसी वक्त यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है, ये किलिंग जो है वो सामने आई और उस समय यहाँ पर मुदस्सिर और एजाज अहमद भट्ट जो हैं उनको किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिलहाल प्रदर्शन जो है वो किया है सीधी तौर पर और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश जो है वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती इस समय सिविलियंस किलिंग के अगेंस्ट जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पीडीपी के कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर लगातार कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार कश्मीर घाटी में देखने, जम्मू में भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और महबूबा मुफ्ती खुद यहाँ पर प्रदर्शन करती है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए आज हम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और आज वो तमाम फैमिली श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में डेड बॉडीज मांग रही हैं, लाशें मांग रही हैं और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। तो इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को, नेहरू के मुल्क को, अंबेडकर के मुल्क को, गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हो तो उनके एक सवाल का मैं क्या जवाब दूं? आईजी कश्मीर ने कहा कि सभी चारों के खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद थे कि वो आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस हैं। अगर उनके पास पहले ही एविडेंस था तो पहले उनको फिर पकड़ा क्यों नहीं? वो तो वैसे लोगों को रोज जेल में डालते हैं। जब भी इनसे कोई फायरिंग में मर जाता है तो उसको OGW का इल्जाम लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और इनको एसबाकी होने की वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मासूम लोग हैं और आज उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं और उनको वो लाशें भी नहीं दी जा रही हैं। शुपियन एनकाउंटर में भी इन्होंने यही बोला था कि डिजिटल एविडेंस है, बिल्कुल शुपियन एनकाउंटर में भी बोला था। उससे पहले अतहर मुश्ताक मारा गया तब भी बोला था हमारे पास एविडेंस है, पर कोई एविडेंस नहीं है। थैंक यू सो मच। बंद करो, बंद करो, लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से कश्मीर किलिंग को लेकर, हैदरपुरा में जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि सिग्नल की कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर है क्योंकि जैमर है, इसलिए प्रॉपर वीडियो हो सकता है आपके पास ना मिल रहा हो, लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और महबूबा मुफ्ती खुद स्टॉप किलिंग अस प्रोब हैदरपुरा किलिंग की बांग जो है वो कर रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक स्वर है वो बुलंद कर रही हैं। और हमेशा आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरें इस समय आप किस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल बैरिकेडिंग यहां पर लगा दी है और उनको आगे निकलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। आज उनका जम्मू दौरे का आखिरी दिन है, आज वो जम्मू से निकलकर वापस श्रीनगर जाने वाली हैं, वहां पर भी इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश जो की जाएगी। दरअसल जिस तरह से पीडीपी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा था, उस ग्राफ को लेकर कहीं ना कहीं अब एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो है वो महबूबा मुफ्ती को मिल गया है जिससे वो एक बार फिर अपनी राजनीतिक जो है राजनीतिक पकड़ जो है, राजनीतिक जमीन जो है उसे वापस हासिल कर सकती है। तो फिलहाल एक विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो इस समय जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कर रही है और जो हैदरपुरा में जो किलिंग्स हुई हैं, जो हैदरपुरा में सुरक्षा कर्मियों के साथ एनकाउंटर में दो सिविलियंस की मौत हुई है, उसको लेकर लगातार अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर महबूबा मुफ्ती भी शायद कुछ बोलना चाहेंगी। Thank you.
तो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। और महबूबा मुफ्ती ने बड़े सवाल जो है यहाँ पर खड़े किए हैं, और इस बात को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि जो सिविलियन किलिंग्स हुई है उनको लेकर कोई जांच जो है वो क्यों नहीं करवाई जा रही है, प्रूफ क्यों नहीं करवाई जा रही है। और ये बड़े सवाल जो है वो महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में आज यहाँ पर किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर तस्वीरें इस समय आप देखें, महबूबा मुफ्ती इस समय यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई जो है वो नजर आ रही है सीधे तौर पर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार नारेबाजी जो है वो सेंट्रल फोर्सेस को जो है वो की जा रही है। और तस्वीरें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती इस समय प्रदर्शन को लीड करते हुए जो इम्प्यूनिटी है उसको ख़त्म करने की बात जो है वो कही जा रही है, और जो मारे हुए जो मारे गए सिविलियंस हैं उनके शव को दोबारा परिवार वालों को सौंपने की वो की जा रही है। सीधे तौर पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, वो नहीं बोल रही तो साफ तौर पर देख सकते हैं एक विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर जो है पीडीपी का उसके बाहर आज एक विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया है, और सीधे तौर पर सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं हैदरपुरा एनकाउंटर पर जो दो सिविलियंस की किलिंग हुई है जिसमें एक डॉक्टर और एक मकान मालिक है, और उसी को लेकर लगातार कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। और आज महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी दफ्तर गांधीनगर के बाहर भी जो है एक विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई।